वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ये सेकंड T20 था जो कि श्रीलंका ने अपने नाम कर दिया। कांटे का मुकाबला सीरीज जो है वो एक-एक से बराबर होगी। ये मजे की बात है, हमेशा अभी होना है, थर्ड होना है। मजे की बात बताने लगा हूँ, यही है कि एक मैच अगर इंडिया जीते एक श्रीलंका जीते फिर ही मजा आएगा तीसरा मैच देखने का, वरना बंदे कहते हैं यार दोनों सब मैच सीरीज इंडिया जीत गया या श्रीलंका जीत गया। वाकई में बहुत ज्यादा कांटेदार का मुकाबला हुआ था। स्टार्टिंग में इंडिया की बैटिंग काफी लड़खड़ाई थी और क्लियर मिडल ऑर्डर नाकाम था, बट अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पारी की। उनका अक्षर पटेल का साथ मावी ने बेहतरीन तरीके से दिया, छक्के चौके मार के आते ही उन्होंने थोड़ा सा मिस किया, फिर उसके बाद सिंगल लिया, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा पावर दिया और स्पोर्ट उम्मीद डाली हुई जीतने की उम्मीद डाली। शनाका एक बेहतरीन कैप्टन मुझे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में वो कैप्टन की कमी है, ऐसे कैप्टन की कमी है। इंडिया में ऐसे कैप्टन की कमी है इस टाइम, साउथ अफ्रीका में ऐसे कैप्टन की कमी। श्रीलंका एक बेहतरीन कैप्टन और एक फ्यूचर मतलब श्रीलंका के उभरते हुए सितारे, 6 छक्के मारे हैं जी, 56 रन की इनिंग्स के लिए और 6 छक्के धराधर मारे हैं। और श्रीलंका के विकेट कीपर ने भी 50 किया और उन्होंने भी 50 किया। अच्छा ये भी मजे की बात बता दूं कि एक ओवर कराया है श्रीलंका ने, उसमें अच्छा। दो विकेट्स भी लिए, 4 रन देगा ये ऐसे फिर मजे की बात है ना, मजेदार जी मजेदार। उसके बाद राजीता और जो है दिलशान, उन्होंने भी 2-2 विकेट्स लिए। और बॉलिंग लाइन की बात करते तो उसका तो क्रेडिट दिया जाता है उमरान मलिक को, 3 स्कोर नो रन उन्होंने खाए हैं क्योंकि श्रीलंका ने धोया अच्छा है, बट विकेट्स उन्होंने 3 लिए हैं। बट बात है कि इंडिया ने भी धोया, अगर श्रीलंका ने धोया फिर इंडिया ने भी धोया। इंडिया की जानब से अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव की इनिंग कौन भूल सकता है, 36 बॉल्स पर 51 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने। अक्षर पटेल ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है, 65 रन 31 बॉल्स पर। अक्षर पटेल के बारे में मैंने पहले मतलब जो वीडियो आई थी थोड़ी देर पहले उसमें बात किए थे कि अक्षर पटेल एक फ्यूचरिस्टिक प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है और इंडिया को काफ़ी आगे लेके जा घूम दिया है उसने स्कोर। मावी ने भी नो डाउट अच्छा खेला, 26 रन बनाए 15 बॉल्स पर, एक न्यू प्लेयर है तो प्रेशर को उन्होंने फिर भी अच्छा हैंडल किया, अच्छा हैंडल। सो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 30 T20 का मुझे बेकरारी इंतजार है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।